हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो आज टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ वो है वहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसके बाद में आता है प्योरिफिकेशन। क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ प्रिपेयर करते हैं तो वो 100% कभी भी प्योर नहीं होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज़ हैं वो रह जाती हैं। जैसे कि पेपराइजेशन मेथड के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसके अंदर हम सॉल्वेंट है वो सूटेबल सॉल्वेंट है वो ऐड करते हैं, और वीकेंड से इलेक्ट्रोलाइट है वो ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इसको उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के भी पार्टिकल्स होंगे, पर हमको वहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए। तो वो इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या चाहते हैं कि उसको सेपरेट, उसको अलग कर दें, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर क्या मिले, वहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन है वो मिले। तो अब उसके मेथड्स है वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे जो पहला मेथड है वो होगा यहाँ पर डायलिसिस। कॉपी पेन जरूर लेके बैठना, जो भी आपको बताया जा रहा है हाथों हाथ लिखते रहोगे तो वहाँ पर लर्न हो जाएगा। क्योंकि अगर हम चीज़ कोई लिख लेते हैं तो वो हमें लॉन्ग टाइम तक है वो याद रहती है, अदरवाइज आपने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया, एज यूजल हम सब लोगों की आदत होती है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, कॉपी पेन बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में लेकर बैठोगे और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं लिखते जाओगे। क्योंकि फ्लो चार्ट में जो भी आपको बताया जा रहा है या पॉइंट्स के फॉर्म में आपको जो बताया जा रहा है वो बहुत ईजी हो जाता है उसको लर्न करना, ठीक है। अब यहाँ पर डायलिसिस जो मेथड है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कभी हॉस्पिटल के अंदर या कभी किसी के नून में सुना होगा कि भाई उसकी किडनी फेल हो गई, उसको डायलिसिस पे रखा होगा। बहुत बार ये आप लोगों ने टर्म है वो सुन रखा है। तो ये डायलिसिस होता क्या है, डायलिसिस क्या चीज़ है यहाँ पर। तो ब्लड जो हमारा है बॉडी के अंदर, जो किडनी है वो काम क्या करती है, वहाँ पर प्योरिफिकेशन का काम करती है। किसका प्योरिफिकेशन, ब्लड का प्योरिफिकेशन। ब्लड में जितने भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो उनको सेपरेट करने का काम है वो कौन करती है, किडनी है वो करती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो ये फंक्शनिंग है वहाँ पर स्टॉप हो जाती है, तो उसको आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर डायलिसिस पे है वो रखा जाता है। तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर डायलाइजर के थ्रू वहाँ पर उनका जो ब्लड है वो क्या किया जाता है, प्योरीफाई है वो किया जाता है। तो अब इसमें होगा क्या यहां पर, तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, हम क्या करेंगे यहां पर कि एक हमने पर्चमेंट का है बैग है वो लेना है, पर्चमेंट और वीकेंड से जो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो सेलुलोज सेलोफिन की बनी होती है, और ये जो मेम्ब्रेन की जो खासियत क्या है, ये मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है। ये क्या करेगी कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल हैं उनको अपने में से पास होने देगी और जो कोलाइड्स हैं उनको पास नहीं होने देगी। तो यहाँ पर जैसे सॉल्यूशन है वो भरा हुआ है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से टंगा देते हैं, ठीक है। और ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर और क्या चीज होगी, यहाँ पर होगा, यहाँ से तो होगा वाटर का इनलेट, यहाँ से पानी है वो इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर बहुत स्पीड से है वो अंदर जाएगा। अब यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स भी है, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करने के लिए जो पार्टिकल थोड़े गोल गोल बना रखे हैं, बड़े बना रखे हैं, वो कॉलर्स के हैं, और जो इस तरीके से डैश डैश कर रखा है वो क्या हो गए वहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन और वीकेंड से इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स हो गए। अब ये पानी क्या करेगा, फटाफट स्पीड से जाएगा, यहाँ से बहुत तेज स्पीड से जाएगा और इसमें से क्रॉस होके निकलेगा। तो जब ये पानी इतने फ्लो के साथ में जाएगा तो पानी के साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल है वो भी क्या हो जाएंगे, क्रॉस करके बाहर निकल जाएंगे इस पर्चमेंट बैग में से। तो ये यहाँ से बाहर निकल कर इधर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा पानी है, इस पानी के साथ में यहाँ पर ये आ गया वाटर का आउटलेट, ये हो गया वाटर का आउटलेट जिसके थ्रू पानी यहाँ से अंदर गया, उधर से इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये प्रोसेस किसका है, डायलिसिस का प्रोसेस है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर डायलिसिस। मेम्ब्रेन किसकी थी यहाँ पर, मेम्ब्रेन यहाँ पर थी सेलुलोज की, सेलोफिन किसी की भी हम ले सकते हैं, यहाँ पर उसकी मेम्ब्रेन थी। सेलेक्टिव होती है, किसको क्रॉस होने देती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को क्रॉस होने देती है, कोलाइड्स को क्रॉस नहीं होने देती है। तो ये था सिंपल सा मेथड डायलिसिस का। अब लिखना क्या है, कैसे लिखना है, कैसे याद करना है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर बताना है सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन ऑलवेज अलाउ ओनली इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास थ्रू
पास थ्रू इट बट नेवर अलाउज, नेवर अलाउज कोलॉइड्स. तो कोलॉइड्स बैग के अंदर रह जाएंगे और बाकी जितने भी जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, पानी के साथ में बाहर है वो निकल जाएंगे. तो ये इसका डायग्राम था. और यहाँ पर सिर्फ आपको ये पॉइंट लिखना है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन. सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती किसकी है, सेलुलोज की है वो हो सकती है. और ये जो बैग से आपको दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे पार्चमेंट बैग. पार्चमेंट बैग बोलेंगे इसको. हमने किस में रख दिया, कंटेनर में रख दिया. इस कंटेनर के अंदर क्या हो रहा है, पानी बहुत स्पीड से इधर से आ रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर उधर से बाहर है वो निकल रहा है. तो ये सिंपल सा मेथड हो गया हमारा डायलिसिस का. पर ये जो प्रोसेस, इसका एक ड्रॉबैक है, ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो प्रोसेस है. तो इसमें आप लिमिटेशन में डाल सकते हो, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस. तो इसमें बहुत घंटों बीत जाते हैं, फिर भी इतना जल्दी फास्ट है वो प्योरीफिकेशन है वो नहीं हो पाता है. तो इस वजह से फिर क्या है कि इतना टाइम तो आज के टाइम में किसी के पास में है ही नहीं कि इतना टाइम तक वेट करते रहें. तो वहाँ पर एक दूसरा एसी का ही, जो हम कह सकते हैं कि 4G जनरेशन का इसका भाई आ गया. तो वो क्या करेगा कि जो काम ये घंटों के अंदर कर रहा था, ये मिनटों के अंदर कर देगा. तो इसके जो भाई का नाम है वो है इलेक्ट्रो डायलिसिस. तो डायलिसिस तो मैं रहने देती हूँ यहाँ पर. अब इसका जो नाम है, नेक्स्ट जो मेथड है, जो इसी का ही भाई है 4G जनरेशन का, अब तो 5G भी आ गई है, तो इलेक्ट्रोडायलिसिस. अब यहां पर क्या करेंगे हम, यही पूरा सेटअप यही रहेगा, इलेक्ट्रोडायलिसिस मैंने इसको लिख दिया. अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे. यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, एक तरफ मैंने लगा दिया एनोड और एक तरफ लगा दिया मैंने कैथोड. एनोड की तरफ प्लस लगा दिया, कैथोड की तरफ माइनस है वो लगा दिया. ठीक है, ये यहाँ पर हो गए इलेक्ट्रोड्स हो गए. अब ये क्या काम करेंगे, अब जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे वहां पर अंदर जो भरा हुआ है वो FeCl3 है. ठीक है, क्योंकि FeCl3 का मैंने एग्जाम्पल भी दिया था पहले आपको. अब FeCl3 का क्या काम होगा कि जो Fe प्लस है वो प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस की तरफ, और जो Cl माइनस है वो कहाँ जाएगा, प्लस की तरफ. तो वहां पर जैसे ही वहां पर करंट हम स्टार्ट करेंगे, वहां पर क्या होगा कि अपोजिट चार्जेस की वजह से वो फटाफट से मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट जल्दी जल्दी यहां पर आकर बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो वहां पर क्या होगा कि इनकी वजह से फटाफट इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पर बाहर आ जाएंगे और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कोलॉइड्स है वो रह जाएगा. तो इसमें सिर्फ आपको करना क्या है, यहां पर इलेक्ट्रोड लिखना ये है. इलेक्ट्रोड्स आर अप्लाइड ऑन बोथ साइड ऑफ पार्चमेंट बैग विच अट्रैक्ट्स अपोजिटली चार्ज्ड आयंस. सो प्योरिफिकेशन विल बी फास्टर. सो प्योरिफिकेशन विल बी फास्टर. जो डायलिसिस में जो काम है वो बहुत, अगर जैसे घंटों में हो रहा था तो यहाँ पर मैंने कहा कि मिनटों में हो जाएगा. तो घंटों का काम मिनटों में, तो यूज क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो डायलिसर. या हम प्रोसेस का अगर नाम बोले तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो डायलिसिस. तो अगर जो आप लोगों ने सुन रखा है कि भाई जैसे किडनी अगर फेल हो गई तो डायलिसिस पे रखा जाता है, तो वहां पर ये इलेक्ट्रो डायलिसिस है वो काम में लिया जाता है. वो डायलिसर काम क्या करता है कि जो भी सब्सटेंसेस, जो ब्लड के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस है, अब उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज तो होगा. तो वहां पर क्या होगा कि फटाफट से जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड्स अप्लाई किए, तो उसमें से जो अपोजिट चार्जेस की तरफ है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, और वहां पर जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, प्योरीफाई है वो हो जाएगा. तो इस तरीके से ये दो मेथड हो गए. सबसे पहला डायलिसिस, जो धीमा प्रोसेस था, स्लो प्रोसेस था, उसके बाद में उसका जो भाई आया इलेक्ट्रोडायलिसिस, जिसने वो काम है वो बहुत जल्दी फटाफट है वो कर दिया. तो अब एक लास्ट मेथड और बच रहा है, वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन. उसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं.
क्योंकि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मैं बता रही हूँ वो भी आप लोगों ने सुन रखा है, और जो भी मैंने बोला उसको जरूर लिख लेना, बहुत एक दो लाइन से ज्यादा मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, और आपको भी उतना ही लिखना है और समझना है, बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं क्योंकि ये मेथड ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं। पर इलेक्ट्रोलाइसिस में एक्स्ट्रा क्या किया हमने वो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कैथोड्स है वो हमने यहाँ कैथोड और एनोड है वो हमने यहाँ पर अप्लाई किए, वो चीज आपको पता है वो होनी चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट्स अपोजिट चार्जेस की तरफ या अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ है वो मूव कर रहे थे, ये हमको पता होना चाहिए है, ठीक है। अब उसके बाद में लास्ट जो मेथड आता है दैट इज थर्ड मेथड, वो है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि भाई जो फिल्टर पेपर है उससे हम कॉलर्स को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी उन्हें बहुत अच्छे से पता है, जब हमने वहां पर डिफरेंस के पढ़े थे तो वहां पर लिखा हुआ था कि भाई कॉलर्स से उनको हम फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उनका पोर साइज लार्जर होता है उसमें से, तो इजीली क्या कर सकते हैं जो कॉलर्स के पार्टिकल क्रॉस कर सकते हैं, तो फिर हम फिल्टर कैसे करें। तो यहाँ पर बाकी जो साइंटिस्ट जो थे वो बहुत ही स्मार्ट होते, तो उन्होंने क्या किया कि हमें फिल्टर पेपर से ही करना है, तो फिल्टर पेपर के अंदर पोर साइज बड़ा ये प्रॉब्लम आ रही, तो जो पोर साइज है उसी को रिड्यूस कर दो। तो उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, उन्होंने क्या किया एक सॉल्यूशन बनाया जिसको नाम दिया यहाँ पर जो कोलाइडियम सॉल्यूशन है वो है यहाँ पर 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज इन मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। अब इसके बाद में ये जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको बताया कोलाइडियम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बहुत बार है वो पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी स्किप है वो नहीं करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि भाई हम प्रोसेस क्या लेंगे यहाँ पर काम में, किस तरीके से हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर है वो बना सकते हैं। तो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाने के लिए सबसे पहला जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है उसको हम सॉक करेंगे, किसके अंदर करेंगे कोलाइडियम के अंदर करेंगे। कोलाइडियम मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है, और उसके बाद में जैसे ही हमने उसको कोलाइडियम में डिप किया देन इट विल हैव पोर साइज रिड्यूस्ड, और उसके पोर साइज रिड्यूस हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि उसको हम क्या करेंगे कि हार्ड करने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, और जब हम उसको उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो एट लास्ट फाइनली हम वहाँ पर उसको ड्राई कर देंगे, तो इस तरीके से वहाँ पर अल्ट्रा फिल्टर पेपर है वो रेडी हो जाएगा। अब क्या होगा कि जब अल्ट्रा फिल्टर पेपर रेडी हो चुका है तो वहाँ पर वो काम किस तरीके से करेगा, वो अपने में से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स को पास होने देगा और वहाँ पर कॉलर्स को है वो पास है वो नहीं होने देगा। तो इस तरीके से हमने समझा यहाँ पर कि अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से काम करता है, एग्जाम में क्वेश्चन कौन से आएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही मुश्किल से बनाया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी इस वजह से, यहाँ पर घर आकर मैंने ही पूरा चार्ट वगैरह प्रिपेयर किया फ्लो चार्ट कॉपी के अंदर, देन यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको शो कर रही हूँ। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर भी बहुत सारा मेरा इसमें हार्डवर्क भी है इसके अंदर, तो इसलिए आप इसको आगे शेयर भी करना। ओके, थैंक यू।